नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड की उपराजधानी दुमका में बीते 17 जुलाई को मुहर्रम के दिन कुछ स्थानों पर मुस्लिमों द्वारा फिलिस्तीनी झंडा लहराए जाने के विरोध में शनिवार 20 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समेत अन्य तमाम समर्थक जिलेवासियों ने अपने देश के हुए अपमान को लेकर जिले के अंदर छुपे देशद्रोही गद्दारों को चिन्हित कर उन्हें सजा दिलाने या उन्हें देश बदर करने की मांग को लेकर हाथ में राष्ट्रीय तिरंगा लिए भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अपने देश का नमक खाकर अपने देश के ही विरोध में मुहर्रम पर दुमका शहर में फिलिस्तीनी झंडा लहराने वाले कुछ ऐसे देश तो ही भी छुपे हैं जिनका रिमोट कंट्रोल कुछ ऐसे आतंकी संगठनों के हाथ में होने का कयास लगाया जा रहा है, जो बीच बीच में सांप्रदायिक आग को भड़काने का काम किया करते हैं। बताते चले कि देश की एकता और अखंडता में जहर घोलने का काम करने वाले कुछ देशद्रोही गद्दारों द्वारा दुमका में मुहर्रम पर फिलिस्तीनी झंडा लहराए गए थे, जिसके विरोध को लेकर दुमका शहर के बीचों बीच से होकर बस स्टैंड, थाना रोड, धर्म स्थान, तीन बाजार चौक, टाटा शोरूम चौक से होते हुए दुधानी टावर चौक पर अपनी बात को रखते हुए पुनः वापसी में अपने परिषदीय कार्यालय में एकत्रित हुए। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग गिरदावरी में खड़े हैं, क्योंकि मुहर्रम के टाइम में फिलिस्तीनी झंडा, जो कि आतंकवादी देश के झंडा है, जो कि हमारे दुमका झारखंड में फहराया गया, वो झंडा क्यों फहराया गया, इसका संकेत मिल रहा है हम लोगों को। और इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है आतंकवादी देश का झंडा फहरा के यहाँ पे, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुहर्रम के अवसर पर ये दुमका जो झंडा फहराया गया, इसमें क्या हो सकता है, क्या संभावना है, इसका हक हो सकता है? ये सबसे पहले ये आतंकवादी देश का एक राजनीतिक है, जो कि हर किसी एक ग्रुप बनाकर हर एक जिले और डिस्ट्रिक्ट राज्य में सब जगह फैलाया जा रहा है। और सभी युवा से मैं तो यही कहूँगा, हिंदू भाइयों से खास करके यही कहूँगा कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हिंदू लोग सब सोए हुए हैं और कोई नहीं आते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को सभी को मैं बता दूं, जिस दिन सांसद में बात उठी थी, उस दिन ओवैसी जी ने सांसद में भी कहा था फिलिस्तीनी जिंदाबाद। तो हमारे हेमंत सोरेन जी उनको किराया भी मुहैया कर देंगे और यहाँ से फिलिस्तीन भेजा जाएगा। तो इसकी ये संदेश आप कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? दिल्ली तक। और आप बीच में जाना चाहते हैं?